तो भैया अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आगे हम एक और पबजी का ब्रांड न्यू गेम प्ले लेके सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। तो हम जा रहे थे गोरे गोपाल जॉर्ज पुल, ठीक है। और बहुत हमने मतलब ना जॉर्ज पुल और जॉर्ज पुल सिटी ये दोनों वाइब किया। वीडियो पूरी देखा करो भाई, वीडियो पूरी देखा करो, तुम्हें कसम है तुम्हारी मोबाइल की पबजी की आईडी की कुछ ना कुछ लगाना है ना, वीडियो पूरी देखा करो। तो मैं कंटेनर्स में आया, कंटेनर्स पे सिंपली आके उतरा, मुझे लगा कोई गन होगी, कोई गन मिली नहीं, स्पेस बार थी मैंने उठाई नहीं, पर मैंने बोला उठानी नहीं चाहिए थी मुझे। तो आगे मुझे मिल गई A4। तो वो बंदा भी बहुत नटखट था, एकदम ऊपर आया तो मैंने बोला ऐसे कैसे, ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे तो थोड़ा सा भी नहीं होता है। आप आएंगे और हमारे कंटेनर से गन लेके जाएंगे, ये हमें मंजूर नहीं, इस गुस्ताखी की सज़ा मिलेगी आपको। और मैं कोई रियासत का बादशाह तो था नहीं, अब बोल वैसे रहा हूँ तो क्या हुआ, पर था तो नहीं ना। तो मैं इसको सजा दूंगी, काल कोठी में डलवा दूँ, जिलदान में डलवा दूँ, जेल करवा दूँ, सर कलम करवाते जाए इसका। तो हमने इसको मलकुल मौत के हवाले किया कि भाई आपका केस है आप संभालो। फिर हमको मिल गई थी बैरल, और अच्छी बात ये थी कि उसके आगे पड़ी थी M24 और M416 M4। हमने ये उठा ली और बंदा यहाँ पे था, मैं उसको मार देता लेकिन वो अचानक अंदर चले गया। तो मैंने बोला चलो हमारे हाथों नहीं तो किसी और के हाथों ही सही। वो कहते हैं ना कि ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही, तो बस ऐसे ही सही। यहाँ एक बंदा बॉट को मारने जा रहा था, मतलब आप बॉट का किल उठाओ हम आपको किल उठाएंगे। और इसको भी हमने मलकुल मौत से हाथ मिलवा दिया। बस अच्छी बात ये थी मेरे पास गने काफ़ी अच्छी थी, क्लोज रेंज की गने थी, और ये गन यही गने यही काम आती हैं। मतलब अगर आपको M24 और 8X या Kar 92 8X ना, तो किसी काम का नहीं यहाँ पर ख़ास तौर पर। तो और थोड़ी सी गलत बात ये हो गई थी, पर कि मेरे पास ना वेस्ट थी ना हेलमेट था और ना मुझे मिल रहा था। तो ये मुझे मतलब थोड़ा सा पीछे रहने को कह रहा था, लेकिन फिर अल्लाह ने मेरी बात सुन ली और मुझे फ़ौरन से सेकंड लेवल का हेलमेट मिल गया विथ फ्लैश हाइडर AR। इस बंदे को भी मैंने डैमेज किया, लेकिन मैं इसको फिनिश कर देता यहीं पे, लेकिन अगर मैं लेट के मारता, क्योंकि M416 है खड़े होकर आयरन साइट बहुत मुश्किल होता है मारना, पर मैंने ट्राई किया एटलीस्ट और उसको थोड़ा सा डैमेज भी हुआ। इसके बाद आ गए थे हम इन कंटेनर्स पे, और यहाँ पे ना ये जगह मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ से आप चारों तरफ का जायजा ले सकते हो कि बंदे हैं या नहीं। और फिर ये चूंकि सामने वाला बंदा आपको नहीं मारता था, लेकिन आप आराम से TPP ले सकते हो। फिर मुझे थर्ड लेवल का हेलमेट मिल गया, लेकिन एक बुरी बात ये थी कि मुझे वेस्ट अभी तक नहीं मिली, लेकिन अल्लाह दिला देता है। तो आगे चल के वो कैसे, वो ऐसे अभी ये बंदा पता नहीं क्या, अल्लाह पता नहीं क्या माल मिला हुआ था इसको यहाँ पे, समन बोन सुन के आया है। मैं ऊपर खड़ा हूँ, ये ऐसे जा रहा है, मैं ये गेस नहीं कर पाया कि ये बॉट है या बंदा है, पर बहरहाल जो भी था ये, पर मैंने इसको मार दिया। अब इनके इनको सबको मारने वारने के बाद अब मुझे लगा कि वाइप हो चुका है, अब गाड़ी लेके चलते हैं। तो मैंने बॉट और उसकी जिसको सेकंड नंबर मारा था उसकी लूट करके मैं जा रहा था, तो मुझे स्प्रे आ गया पीछे से। अच्छी बात ये थी कि इस बंदा स्प्रे सही दे रहा था, लेकिन पिंग बहुत गंदी थी, शायद पिंग बहुत गंदी थी। तो उसकी गोलियाँ मेरे पीछे से जा रही हैं, मेरे कानों के पास जर जर की आवाज़ आ रही है, मुझे एक आधी बुलेट इसकी भी मुझे लगी। फिर मैंने उसको बोला कि भाई देख मैं हूँ शागिर्द स्टार एनोनिमस का, तो वो कहता है गोली ज़्यादा नेट चलाओ। तो फिर मैंने इस पर 2 नेट करे, एक रोड पे चले गया था लेकिन एक बिल्कुल परफेक्ट था, जब ही निकल के भागा फ्री फायर देता था। फिर मैंने उसको बताया कि फ्री फायर से कुछ नहीं होता, जो फायर मुंह पे लगे फायर वो होता है। उसके बाद एक मेरा भाई मुझसे हाथ मिलाने आ रहा था, ये मेरे फ़ैन है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भी फ़ैन है भाई, क्या हो गया तुम्हें, मतलब क्या फ़ैन है हमारे, जी बिल्कुल सही सुना आपने, कान में उंगली डाल के मैल निकाल के सुनो, जी फ़ैन है हमारे, ये फ़ैन है हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन एक मसला ये कि मैं फ़ैन, जो भी मेरा फ़ैन होता है ना, मैं उसको सबसे पहले मारता हूँ। तो ये ऐसे आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने एम करने की सोची ये भाग गया। लेकिन मतलब कोई ना, भागने का पीछे हटने का कोई फ़ायदा है नहीं, और मैंने उसको भी मलकुल मौत के हवाले की। फिर पहाड़ी से स्प्रे आ रहा था मेरे पे, 6X होता तो उसको मैं ऐसे ही मारता, लेकिन इस तरह मारने में मतलब मज़ा आ रहा था थोड़ा सा। आयरन साइड से लेट के स्प्रे दिया इसको भी, और इसको भी हमने बस किल किया, 6 किल अलहमदिल्ला हो चुके मेरे। फिर इन सब की लूट के बाद मुझे 8X और Kar 98 मिल गई थी। और जब मैं वापस आ रहा था तो बाइक के पास एक बंदा जा रहा था, उसने पूरी जॉर्जो सिटी का लूट किया था। यहाँ पे मैं मलकुल मौत से हाथ मिलाने वाला था और मुझे ले भी जाता, लेकिन अलहमदिल्ला स्प्रे सही इसको लगा, मतलब क्योंकि मिनी 14 और 8X के बाद
और फिर उसको भी हमने मार दिया। फ्लेयर थी नहीं मेरे पास, मैंने चलो ऐसी स्क्वाड ऑफ चलती, तो यहाँ पहली किसी की फाइट चल रही थी, पता नहीं कौन कौन किस किस से लड़ रहा है, एक बात मैं बताना भूल गया। और आप थोड़ी सी जहमत करो, जब मैंने पहले या दूसरा किल किया तो वहाँ एक बंदे का बार बार नाम आ रहा था, इब्राहिम बी आई बी, बहुत प्यारा खेल रहा था ये मेरा भाई, और मैंने उसको किल फील्ड में नोट कर लिया था। पहले तो मैं सोच रहा था कि गाड़ी लेके जाऊँ और घुस जाऊँ उसको, फिर घुस के मारूँ, लेकिन फिर जब मुझे वहाँ स्प्रे की आवाज़ आई और फिर स्किल फील्ड में नाम वापस इसी का आया, तो मैं समझ गया कि मतलब नहीं, थोड़ा काम दूरी वाला बेहतर है, स्नैपिंग करनी थोड़ी सी। अब हम नूब की क्या स्नैपिंग, उस बंदे की क्या स्नैपिंग, स्नैपिंग आप देखो, मतलब पैनिक, इसको मैंने सिर्फ पहला बॉडी शॉट दिया, पैनिक होने का नतीजा मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि एक बार जब इसको दीजिए तो मैं हो गया ओवर कॉन्फिडेंस, उसको मार दूंगा। अब मैं खिड़कियों पे ही बार बार एम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा वो खिड़की से आएगा, लेकिन भाई नहीं, बहुत खतरनाक आदमी था वो भाई। हाँ अभी देखो कैसे मैंने इस पीक ली, अब देखना, मतलब सॉरी सस्पेंस ख़राब हो गया। ड्रिंक मारी, दो ड्रिंक मारी, मरती है भाई, तीसरी मार नहीं मारा, पीक निकाल ली, और भाई ये देखो वो बंदा तैयार बैठा है। अगर मेरे पास थर्ड लेवल का हेलमेट नहीं होता तो मैं तो मर जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास था तो हम बच गए। और अब मैं हो गया हूँ पैनिक, अब देखना गोली उसकी कहाँ कहाँ से जाएगी कहीं खुद ही इसी दरख्त में आके गोली लग रही है, मेरी गोली दरख्त में आके लग रही है, उसके दीवार के नीचे गोलियाँ लग रही हैं, मतलब डर। अब देखना सिर्फ ये पहली गोली दरख्त में लगी, दूसरी गोली नीचे लगी, तीसरी गोली ये भी नीचे लगी, चौथी गोली ये नहीं, ये अभी नहीं लगी, मतलब लगेगी, ये थोड़ा साइड पे आके लगी। फिर हमने लोड वोड की, मतलब पैनिक की नहीं ना, गोलियां जाया करो, ये देख लो वो भी बहुत प्यारी स्नैपिंग कर रहा था, छोटी सी पिक पे मुझे स्प्रे दे रहा था, फायर दे रहा था, अल्लाह बाओ बाहर। और ये गोली भी दीवार पे लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर बार तो खैर नहीं होता है, हम नूब हैं नूब, पर इतने भी मतलब पहले बहुत सारे नूब थे, अब बहुत ज़्यादा नूब थे, अब थोड़े से कम हो गए हैं, बस नूब अभी भी हैं। इसके बाद जब मैं लूट करके जा रहा था ब्रिज की तरफ ही, तो मुझे फ्लेयर दिखी, अब हम फ्लेयर कहें फ्लेयर तो हमारे साथ टैंक हो जाएगा। हमने इसको रीफिल किया, फ्लेयर तो बड़ा ख़तरनाक टैंक होगा, क्योंकि ना वो बंदा मुझे मेरी कहानी याद दिला रहा है कि जैसे जब मैं पबजी शुरू शुरू में आया था और मुझे कहीं से फ्लेयर मिल जाए और मैं वहाँ से ज़िंदा वापस आ जाऊँ, जो बहुत कम होता है, तो मैं क्या करता था वो अभी आप देखो। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग का नूब था ना, स्टार्टिंग का नूब, जब की कहानी है, अब मुझे लग रहा है वो बंदा वो कोने वाले ब्रिज पे ना वहाँ पे है, लेकिन जब फ्लेयर यहाँ आई तो मतलब बंदा भी मेरे पास ही है, क्योंकि फ्लेयर साहब को अंदाज़ा हो सकता है कि फ्लेयर इतनी पास है तो बंदा भी यहीं है। और जब मैंने थोड़ा सा ज़मीन की तरफ गौर किया तो वो यूँ डांस कर रहा था, ये देखो, और मुझे इसको दिक्कत इतनी हंसी आ रही थी कि यार मुझे लग रहा था कि बिल्कुल मैं ही हूँ, जब फ्लेयर आई तो बस पागल हो गया, अब फ्लेयर के आगे पीछे घूम रहा हूँ। अब बुलेट मेरे ड्रॉप हो रहे थे क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा काफ़ी ज़्यादा था, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कहूँगा मैं, बुलेट्स जो ड्रॉप हो रहे थे मेरे, तो उस वजह से जैसे मैं उसको गोली मारूँ ना, अब पता नहीं ये क्या वो जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि मैंने सप्रेसर लगाया हुआ है M24 पे, तो ये तो सीधी सी बात है कि उसको नहीं पता चलेगा कि गोली आई कहाँ से, अभी उसको नहीं पता कि गोली कहाँ से आई है। फिर मैंने मजबूरन उसको बॉडी शॉट दे दिया, मैं चाह रहा था हेड दूँ, एक बॉडी दिया उसको मैंने, और अब मुझे डर ये लग रहा है M24A8X के साथ मेरे पास है, मेरे पास, और मुझे डर ये लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, अब उसने ओम और 8X उठा लिया है, तो मैंने उससे को बार बार छुप छुप के उसको पीक देती थी, उसको ना अभी थोड़ा मैं गोलियाँ चला रहा हूँ, डर इतना है कि गोलियाँ मेरे इस शेक पे लग रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी एक आधी गोली लग ही गई और ये भी गया। अब यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ एक स्टोरी, अभी ना थोड़ी सी जो वीडियो है ना ये फास्ट फॉरवर्ड पे चली जाएगी, वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है ठीक ठीक मतलब ये जो गेम प्ले सॉरी ये गेम प्ले ठीक ठीक है अवतार से थोड़ी देर पहले का। अब अवतार से जब थोड़ी देर पहले का होता है ना, तो मैं तो मतलब ये खेल रहा था, और मसला ये था कि मुझे लगा कि मैं जाते ही मतलब थोड़े किल करके मर जाऊँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्वाइव कर गया और मैं ब्रिज कैंप तक भी चले गया और मैं आगे भी जा रहा हूँ। तो अब एक मसला ये होगा कि छोटे भाई की आवाज़ आई, लाल भाई आ जाओ अवतारी करनी है, मिलना या क्या कर रहा है, जब अफ्तारी कर लें या चिकन डिनर कर लें। तो मैं अब मतलब जब ब्रिज पे था ना, जब आवाज़ आ गई थी छोटे भाई की अबू की नहीं, तो अब मैं
ऐसी मतलब अब मैं थोड़ा ढूंढ ढूंढ रहा था कि बंदे बंदे कहाँ हैं, स्प्रे स्प्रे भी आ रहे हैं मेरे पे, तो मैंने प्रो प्लेयर की स्ट्रेटेजी अपनाते हुए लेट गया मैं। और अब देखना आगे में इसका थोड़ा सा क्या होगा, वो जो अब आई अब्बू की आवाज़, अब सारी नहीं करनी, मैं ला रहा हूँ बस। मैं कुर्सी से खड़ा हुआ, ये बंदा यहाँ से खड़ा हुआ, और अब बस मैंने बोला अंधा दुनिया, बस बंदे देख रहे हैं, बंदे का है, मरना है मारना है, बस जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह देख दे, अल्लाह बहुत बड़ा है, बस आखिरी जवाब मेरा ये होता है। और मैं जा ही रहा था, अब पता नहीं पिंग का इशू है ये, वरना अगर आप पबजी खेलते हो तो आपको इतना पता चल चुका होगा कि इतनी गोलियों में अगर आप किसी को मारो, भले थर्ड लेवल हो, वो डैमेज हो जाता है या 1 HP बचता है या फिर मर ही जाता है। इस बंदे को पता नहीं क्या हुआ था, इसकी HP भी इतनी की मतलब 60-55 HP भी रहती थी, और ये बंदा वैसे भी था। तो भाई आज के लिए बस इतना ही था, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और मेरी और वीडियोज़ देखो बहुत सारी वीडियोज़, सब्सक्राइब कर दो, लाइक द वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे कल।